बिजनेस एनालिटिक्स एनालिटिक्स का मतलब होता है टू एग्जामिन समथिंग यूजिंग स्टेटिस्टिकल टूल्स एंड मेथड यानी कि जब आप स्टेटिस्टिकल टूल और मेथड का यूज करके किसी चीज को एग्जामिन करते हो तो एनालिटिक्स कहलाता है बिजनेस एनालिटिक्स क्या हो जाएगा कि जब आप स्टेटिस्टिकल टूल्स और मेथड का यूज करके टेक्नोलॉजीज का यूज करके बिजनेस से रिलेटेड डेटा को आप जो है एनालाइज करते हो एग्जामिन करते हो जिससे कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प मिलती है फ्यूचर प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है तो उसको हम कहते हैं बिजनेस एनालिटिक्स तो बिजनेस एनालिटिक्स क्या हो गया द ज बायल मैथड एंड टेक्नोलॉजीज फॉर एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा इन ऑर्डर टू गेन न्यू इंसाइट एंड इंप्रूव स्ट्रेटिक डिसीजन मेकिंग यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि क्या पहला तो बिजनेस यूज स्टेटिस्टिकल मैथड एंड टेक्नोलॉजीज और दूसरा एनालाइज हिस्टोरिकल डेटा टू गेन न्यू इंसाइट नई नॉलेज या फिर डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट होता है तो कब होता है जब वो इस चीज का यूज करते हैं यानी बिजनेस एनालिटिक्स का यूज करते हैं तो इसमें होता क्या है कि जो बिजनेस से रिलेटेड डेटा होता है चाहे वो पास्ट डेटा हो चाहे प्रेजेंट डेटा हो उसको एनालाइज किया जाता है उस पर स्टेटिस्टिकल मेथड का यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और उसमें से नई नई इंफॉर्मेशन निकाली जाती हैं या फिर कोई घटना हुई है तो क्यों हुई है सेल्स तो डाउन हुआ तो क्यों हुआ सेल्स बढ़ा तो क्यों हुआ फिर उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन मेकिंग किया जाता है या फिर नई नॉलेज का यूज करके कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया जा सकता है तो बिजनेस एनालिटिक्स ये होता है हो skills, तो क्या हो गया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिस तो क्या हो गया बिजनेस एनालिटिक्स कॉम्बिनेशन है किसका स्किल्स का टेक्नोलॉजी का, का और प्रैक्टिस टू एग्जामिन एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा एंड परफॉर्मेंस एज अ वे टू गेन न्यू इनसाइट एंड मेक डेटा डिसीजन इन द फ्यूचर यूजिंग एनालिसिस क्लियर तो हाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन डेटा को एग्जामिन किया जा रहा है परफॉर्मेंस को एग्जामिन किया जा रहा है और उससे नई नॉलेज दी जा रही है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके और जिससे जो है आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो इंप्रूव हो रहा है और डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग है यानी कि ये नहीं कि अंदाजा लगा के आप डिसीजन कर रहे हो डेटा बेस्ड है आपके बिजनेस का डेटा होता है उसको एनालाइज कर

कि क्या हुआ और क्यों हुआ क्लियर इस चीज को एग्जामिन किया जाता है कि इसमें डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में तीसरा है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है कि वहां पर प्रिडिक्ट किया जाता है कि क्या हो सकता है फ्यूचर में तो भाई डिस्क्राइब कर लिया डिस्क्राइब करने के बाद डायग्नोस कर लिया डायग्नोस करने के बाद अब आप जो है प्रिडिक्ट कर सकते हो ना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और फिर उसके बाद आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यानी कि फ्यूचर में यह हो सकता है तो उसके लिए अभी से यह तैयारी कर लीजिए क्लियर फ्यूचर में सेल्स बढ़ सकता है तो अभी से जो है एम्प्लॉय बढ़ा लीजिए और अभी से जो है मशीनरी परचेज कर लीजिए फ्यूचर में सेल डाउन हो सकता है तो अभी से जो है कट कर दीजिए फिर रॉ मटेरियल कम कर दीजिए या फिर मशीनरी पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें तो प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि प्रिस्क्रिप्शन पहले से तैयारी करके रख लेना तो यही चार बिजनेस एनालिटिक्स के टाइप्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक प्रिडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है अ क्लियर पिक्चर ऑफ वॉट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड वॉट द करेंट इज़ यानी कि पास्ट में क्या हुआ था और अभी करंट सिनारियो क्या है इन दोनों को जो है वो क्या करता है क्लियर पिक्चर देता है यानी कि डिस्क्राइब करता है टेक अ क्रिटिकल लुक एट योर करंट स्टेट ऑफ बिजनेस अभी करंटली हमारा बिजनेस किस स्टेट पर है किस पोजिशन पे है कैसे सारी चीजें हो रही है उसका जो है एक लुक देता है ओवरव्यू प्रोवाइड करता है हेल्प टू नो बिजनेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो डिस्क्रिप्ट डिस्क्रिप्टिव एनाल्टीज है वो डिस्क्राइब करता है तो इससे पता चल सकता है आपको कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है हमारी क्या वीकनेस है क्लियर तो बेस्ट ऑन दीज इन साइड यानी जो सारी नॉलेज आपको पता चल जो मिल रही है ऑर्गेइजेशन कैन डेवलप स्ट्रेटीज टू इंप्रूव द बिजनेस इन सभी नॉलेज के बेसिसन है वो इन सबका यूज करके अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए यूटिलाइज कर सकती है भाई हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ है हमें पता है, ये weakness है तो हम वीकनेस को रिमूव कर सकते हैं जिससे हमारा बिजनेस और इंप्रूव होगा क्लियर तो जब हमें हमारे पता रहेगा कि हमारी क्या कमियां हमारी क्या खूबियां हैं तभी तो हम उस पर काम कर पाएंगे तो डिस्क्रिप्टिव वही चीज करता है कि आपको क्या करता है कि आपका करंट स्टेट और बिजनेस प्रोवाइड करते हैं clear तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में नॉर्मली जो है डेटा एग्रीगेशन एंड डेटा माइनिंग टेक्निक जो है वो यूज़ होते हैं ठीक है डेटा एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि नए नए डेटा को कलेक्ट करके जो है उस पर स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ किया जाता है और डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है कि जो पुराने डेटाज़ होते हैं हमारे पास उसको निकाल कर उस पर स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जहाँ पे समराइज uh, किया जाता है एग्जिस्टिंग डेटा को और जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है उसका ठीक है टू बेटर अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन और वॉट हैज़ हैपेंड क्या हुआ था और क्या चल रहा है इन दोनों को जानने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिस का यूज करते हैं अब आता है दूसरा डायग्नोस्टिक एनालिटिस ये दूसरा स्टेज हो गया यानी कि डिस्क्राइब तो कर लिया कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है अब डायग्नोस करते हैं कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था ठीक है व्हाट वॉज हैपेंड एंड व्हाई व्हाट व्हाई वॉज हैपेंड तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस डायग्नोस करना जैसे कि आपको बीमारी है तो आपको समझ नहीं आ रहा कि बुखार क्यों आ रहा है बार बार तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप जो तो है ब्लड टेस्ट करवा के लिए तो ब्लड टेस्ट कराना यानी कि डायग्नोस कराना कि क्या आपको टाइफाइड है फिर कोई और बीमारी है तो वो डायग्नोस किया जाता है ब्लड टेस्ट करके किया जाए चेक किया जाता है तो उसी तरीके से बिजनेस में कहीं पर कोई चीज हुई थी सेल्स बढ़ गई थी सेल गिर गई थी एम्प्लॉय छोड़ के चले जा रहे थे तो क्यों जा रहे थे क्या हो जाता था क्यों जा रहे थे इस चीज को डायग्नोस करता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस यानी रीजन को तो गिव्स मोर क्रिटिकल लुक इन टू द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ बिजनेस यानी कि पास्ट में क्या हुआ था क्यों हुआ था और प्रेजेंट में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है उस पर जो है ये फोकस करता है एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वाई द इशूज हैव ऑकर्ड एंड ऑल द रीजन्स बिहाइंड इट तो ये क्या करता है आपको हेल्प करता है ये समझने में कि कोई भी इशू क्यों हुई थी और क्या रीजन्स थे उसके पीछे वो इशू क्यों हुई थी जो भी घटना घटी थी तो क्यों घटी थी क्लियर टेल्स वाई सच अ थिंग हैज़ हैपेंड एंड बेस्ड ऑन द

क्या हुआ था पास्ट में क्या हुआ था प्रेजेंट में क्या है अभी प्रेजेंट में चल रहा है डायग्नोस करता है क्या हुआ था पास्ट में क्यों हुआ था रीजन भी क्या था इसको भी आइडेंटिफाई करता है यहां पर जो टेक्निक्स नॉर्मली यूज होते हैं वो डेटा माइनिंग डेटा डिस्कवरी ड्रिल डाउन एंड को मेथड का यूज़ किया जाता है क्लियर अब आते हैं प्रिडिक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में यानी कि तीसरा प्रिडिक्टिव एनालिसिस प्रिडिक्ट करना प्रिडिक्ट मतलब कि गेस करना कि क्या हो सकता है तो देखिए डायग्नो डिस्क्रिप्टिव क्या हुआ क्या हुआ था क्या चल रहा है ये बताता है डायग्नोस्टिक क्या हुआ था और क्यों हुआ था क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है अब जो है इनके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या हुआ था क्या है और क्या हो सकता है तो प्रिडिक्टिव बताता है कि क्या हो सकता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस गिवस अ लुक एट वॉट इज गोइंग टू हैपन क्या होने वाला है ठीक है

है ये पता चल गया ठीक है अब आप जो है इसके बेसिस पे कुछ कुछ तो करना स्टार्ट कर देते हो कि अब जो है आपको सैनिटाइजर मास्क दोबारा से प्रॉपरली सही तरीके से यूज तो कि क्या करता है? ये प्रिस्क्रिप्शन देता है मॉडल्स देता है जिससे कि जो कंपनीज है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने को बचा सके और डिसीजन मेकिंग सही कर सके सेल्स को बढ़ा सके तो हेल्प्स टू मेक मॉडल्स दैट विल हेल्प टू मेक एक्ट प्रिडिक्शन पहली चीज जो analytics, analytics है, ये एक ऐसा model करने में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट और जो है, है फ्यूचर में सेल्स बढ़ने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी प्लानिंग कर सके कि मशीन लेना है रॉ मेटेरियल और ज्यादा लेके आना है क्लियर ऑल्सो प्रोवाइड रिकमेंडेड एक्शन बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम द बिजनेस तो यानी कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम चाहते थे बिजनेस से

क्लियर तो ये क्या है एक रिकमेंडेशन इंजन टाइप का होता है कि जो आपको रिकमेंडेशन देता है क्लियर तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स अब बात कर लें कि इसका यूजेस क्या है एप्लीकेशन क्या है तो मेरे ख्याल से अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि क्या यूज हो सकता है टू टू स्टार्ट अ बिजनेस यानी आपको अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप जो है डेटा एनालिटिक्स का यूज करके प्रीवियसली कोई भी बिजनेस है उस रिलेटेड बिजनेस है उसको एनालाइज करके आप समझ सकते हैं कि कहाँ कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए ग्रो योर बिजनेस आपको अपना बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करता है बट ऑफ ऑफिस डिसीजन टेकन थ्रू एनालिटिक्स हैव द बेस्ट चांस टू सक्सीड यानी कि एनालिटिक्स का यूज़ करके जब भी डिसीजन मेकिंग करेंगे तो वो सक्सेस ही होगा क्यों क्योंकि पूरा डेटा को एनालाइज 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 किया गया है 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 तो आपका आपका बिजनेस बिजनेस बढ़ेगा डेटा डेटा को करने के लिए आपका वो जो एनालिटिक्स हेल्प uh, करता द बेस्ट वे टू प्रोसेस दिस डेटा टू गेट वॉट इंफॉर्मेशन यू नीड जब एनालाइज करेंगे डेटा को तो आपको जो है बेस्ट इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलेगा क्रिएट बिजनेस स्ट्रेटजीज यानी कि ये हेल्प करता है बिजनेस स्ट्रेटजीज को क्रिएट करने में आपके पास जब डेटा रहेगा इंफॉर्मेशन रहेगा तो आप अच्छे अच्छे स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हैं क्लियर जैसे आपको पता चला कि कस्टमर्स की कोई पर्टिकुलर नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही है तो अब आप जो है उसको नीड को फुलफिल करने के लिए कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं स्टे अपडेटेड टू तो बिजनेस ट्रेंड यानी कि बिजनेस में क्या ट्रेंड चल रहा है उस पर जो है अपडेट रहेंगे क्यों क्योंकि आप जब डिस्क्रिप्टिव दिस्क, एनालिटिक्स का यूज करेंगे तो क्या प्रेजेंट में चल रहा है और क्या चल रहा था उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि अभी करंट सिचुएशन क्या है आपके तो आपको बिजनेस ट्रेंड्स के बारे में अपडेशन रहेगा एंड लास्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट हेल्प टू एनालाइज मिस्टेक यानी कि अगर कोई भी मिस्टेक हुई थी पास्ट में या कोई मिस्टेक अभी हो रही है तो आप उस कुछ चीज को एनालाइज कर सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं क्लियर तो बिजनेस एनालिटिक्स हैज मेनी यूजेज एंड एप्लीकेशन इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड तो बिजनेस एनालिटिक्स यानी कि जहां पे आप बिजनेस से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करते हैं स्टेटिस्टिकल मेथड का यूज करके स्टेटिस्टिकल टूल का यूज करके बिजनेस डिसीजन मेकिंग्स में विश ऑल दॉचिंग